भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आज सिंगरौली के पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले में सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अनेक विकास कार्य किए हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश की जनता के लिए अनेक कार्य किए, जिससे आज देश और प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। देश में आज हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस तरह से आज सरकार ने विभिन्न संचालित योजनाओं का वाचन किए, जैसे किसान सम्मान निधि, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना सहित विभिन्न योजनाओं का बखान किए। पार्टी कार्यालय सिंगरौली के प्रथम तल पर बैठक के बाद अंगवस्त्र और स्मृत चिन्ह युवा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने भेंट किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने इसके बाद जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष सहित जिला के युवा मंत्री एवं सभी की एक बैठक का आयोजन हुआ। लगातार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नीचे तक ले जाने के दृष्टिकोण को लेकर और हमारी सरकार के विकास कामों को आम जनमानस को हमारी सरकार के विकास कामों से रूबरू कराने को लेकर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। जब हम लोग मध्यप्रदेश में विकास कामों के ऊपर नजर डाल के देखते हैं तो आप लोग महसूस करेंगे कि इस देश में यदि कोई राजनीतिक दल है, यदि प्रदेश में कोई राजनीतिक दल है जिसको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करके विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है तो वह दल भारतीय जनता पार्टी है। साथ समाज के सभी वर्गों का विकास करना, समाज में युवाओं के लिए समुचित अवसर, किसानों की खुशहाली के लिए काम करना, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत उदाहरण मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में दिया है। चाहे वो लाल लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कल्याण योजना हो, या महिलाओं का 50% का आरक्षण नगरीय निकाय और पंचायत राज चुनाव में हो, वर्तमान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी लाली बहना के रूप में एक बड़ी सौगात मध्यप्रदेश की बहनों के लिए माताओं के लिए लेकर आए हैं कि हम हमारे सामान्य परिवार की बहनों को 1,000 रुपए की सहयोग राशि हर माह प्रदान करेंगे। किसान सम्मान निधि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हर वर्ष 6,000 रुपए देने का जो हमने निश्चय किया उसमें 4,000 रुपए ऐड करके मध्यप्रदेश की सरकार 10,000 रुपए का सीमा देने का काम करती है। साथ ही साथ सिंचाई का रकबा बढ़ने का विषय हो या किसानों की आय दुगना करने की दिशा में